हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सर आई ए एस तो यहाँ पे ये आपके लिए मैं लेकर आई हूँ इसमें क्या है कि सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ये लिस्ट है जिसमें जिसमें इंडिया मेंबर है तो कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि इंडिया इसमें मेंबर है कि नहीं है सारी कंट्रीज बता दी जाएंगी है ना और इंडिया मेंबर है कि नहीं है तो अगर आपको इस बात का कंफ्यूजन रहता है तो यहाँ पे बहुत ही बेनिफिट आपको देने वाला है क्योंकि यहाँ पे इतने ऑर्गेइजेशन हैं जिसमें इंडिया मेंबर है उसके सिवा अगर कोई आता है तो आप सीधा कह दीजिएगा नहीं इंडिया इसका मेंबर नहीं है ठीक है तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी देखो आंसर देने के दो तरीके होते हैं बेटा पहला क्या होता है कि जिसमें आपको आंसर पता हो हाँ दूसरा तरीका ये होता है कि आपको आंसर नहीं पता लेकिन बाकी के जो तीन ऑप्शन है आपको ये पता है कि गलत है समझ रहे हैं तो यहाँ पे हम ये इस इसके द्वारा हम एक क्वेश्चन तो बीट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हम ये बात कर लेंगे इंडिया किसका किसका मेंबर है अब मान लीजिए ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसमें आपको नहीं पता इंडिया मेंबर है कि नहीं है लेकिन आपको ये जरूर पता है कि इंडिया इनमें से इसमें से कोई वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें जो है वो इंडिया मेंबर है तो आप वहां पे आंसर दे पाओगे या आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई इंडिया इसका मेंबर तो नहीं है समझो तो आइए बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जिसमें इंडिया मेंबर है सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है एल्को एल्को मतलब एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन दूसरा है एडीबी एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक तीसरा है ए एफ डी बी मतलब अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है ना नॉन रीजनल मेंबर में फिर आता है ए जी ए जी मतलब ऑस्ट्रेलियन ग्रुप ठीक है अबे गधे नहीं है ना तो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है एशियन रीजनल फोरम है फिर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बिम्स्टेक काफी फेमस ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी कॉर्पोरेशन फिर बी आई एस बी आई एस मतलब फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मेंबर है ब्रिक्स बहुत ही फेमस है इसमें आते हैं ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका इसका है ब्रिक्स का फिर सीओ एन सीओ एन मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस फिर सर्न मतलब यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इसका भी मेंबर है इंडिया याद रखिएगा इंडिया जो सर्न का है ये एसोसिएट मेंबर 2017 में बना था अब मतलब दो हजार बाई सोलह में मान लीजिए अच्छा फिर सीपी का है कोलंबो प्लान का मेंबर है EAS, मतलब ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है इंडिया एफ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन का मेंबर है इंडिया जी मतलब ग्रुप ऑफ 15 का था जी ट्वेंटी सबमिट होती है मतलब जी ट्वेंटी फोर का भी है मतलब इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ ट्वेंटी फोर ऑन डेवलप इंटरनेशनल मॉनिटरी अफेयर्स एंड डेवलपमेंट का भी मेंबर है वही जगह जी सेवेंटी सेवन मतलब ग्रुप ऑफ सेवेंटी सेवन का भी इंडिया मेंबर है आई ए इंटरनेशनल ऑटोमेटिक सॉरी इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एजेंसी का भी इंडिया मेंबर है आईबीआरडी मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक के अंदर आता है इसके बारे में अभी हम सब डिस्कस करेंगे कौन कौन सी बॉडी आती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर तो इंडिया इसका मेंबर है आई इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का भी इंडिया मेंबर है आई बहुत ही फेमस इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मेंबर है आई इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट मूवमेंट का भी इंडिया में आई डी की बात करें इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का इंडिया मेंबर है आई की बात करें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी इंडिया मेंबर है आई की बात करें तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का भी इंडिया मेंबर है और आई की बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉपोरेशन फिर आई एफ आर सी एस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज IHO का इंडिया मेंबर है, जो कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का IMF, Fund, भी इंडिया मेंबर है। एम की बात करें तो इंटरनेशनल मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया है इंटरपोल बहुत न्यूज में रहता है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन आई ओ सी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आई ओ एम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन में इसका आई बी आई पी डबल इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कॉर्पोरेशन इसका मेंबर है आईपीयू की बात करें तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का इंडिया मेंबर है आई एसओ की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का भी इंडिया मेंबर है आई की बात करें तो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन सेटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में आई टी की बात करें तो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन का भी इंडिया है वही जगह आई की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन द सक्सेसर जो सक्सेसर है ये आईसीएफटी का जो पहले था इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन और डब्ल्यू का वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ लेबर ठीक इसका है इसका सक्सेसर है यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन

केमिकल वेपन्स का ये मेंबर है पीसीए की बात करें तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मेंबर है पी की बात करें तो पैसिफिक आइलैंड्स फोरम का ये पार्टनर है वही जगह सार्क तो आप जानते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका तो है ही है मेंबर हैसेब की बात करें तो साउथ एशियन कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम का ये मेंबर है एच सी ओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये मेंबर है यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो ये यूनाइटेड नेशंस का तो है ही है

यू एन आई डी ओ की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन यू एन आई एफ आई एल की बात करें यूनाइटेड नेशन इंटरम इन लेबन यू एन एमड की बात करें यूनाइटेड नेशन मिशन इन इथोपिया एंड एट्रिया यू एन एम आई एस यूनाइटेड नेशंस मिशन इन सुदान यू एन ओ सी आई यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशन इन कोट डी लॉयर मोनोस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ दी कॉन्गो फिर नेक्स्ट रहेगा यू एन डब्लू टीय वर्ल्ड टूरिज्मन यू पी यू की बात करें तो यूनिवर्सल पोस्टलू सी एल की बात करें तो वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर डब्ल्यू सी ओ की बात करें तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एफ टीयू की बात करें तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन और डब्ल्यू एच ओ की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू आई पी ओ की बात करते हैं तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एम ओ की बात करें तो वर्ल्ड मिटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फिर WTO आप जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ए आई आई बी इसमें नहीं था तो ये भी है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अगर आपके दिमाग में एन एस जी को लेकर मतलब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर कोई बात अगर सॉरी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप को लेकर अगर कोई बात ऐसी आई हो तो समझिएगा चाइना यहाँ पे अपोज कर रहा है है ना तो इसकी मेंबरशिप हालांकि ये नॉन सिग्नेटरी स्टेटस है इंडिया का वहाँ पे तो यहाँ पे मेंबर्स की मैंने आपको बात कर ली और आई होप आपको जो है चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी अच्छा लगा होगा ये पढ़ के यहाँ पे आप समझिए यहाँ पे चार मेन यू के ऑर्गन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं यूनाइटेड तो नेशंस की जो सॉरी चार मैंने बोला पांच मेन जो ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस की उसके बारे में बात कर लेते हैं तो मेन ऑर्गन्स में आपका जनरल असेंबली यूएन की जनरल असेंबली है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी काउंसिल आप जानते हैं यू एन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी भी काफ़ी जो है ये इम्पोर्टेंट uh, है वही जगह इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये इसकी एक मेन uh, ऑर्गन में से आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस और यूएन एन तो ये आपकी मेन ऑर्गन्स आती हैं यूनाइटेड नेशंस की और अगर हम कुछ बात कर लें यूनाइटेड नेशंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आई इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड फिर आई यू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर मतलब यूनेस्को यूनिडो यू मतलब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन वर्ल्ड बैंक ग्रुप अच्छा वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन आता है ये बात जान लें देखिए पहला आता है क्या इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आई बी आर डी दूसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आई एफ सी तीसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आई डी ए फिर देखिए यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें डब्ल्यू एच ओ है आपका डब्ल्यू आई पी ओ है मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी यूएन में आता है आपका वर्ल्ड मिटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हो गया फॉर्मर कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हो गई इससे कुछ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कौन से है कॉम्प्रेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपरेशन कमीशन है इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एजेंसी है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन है और डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी है अच्छा एक चीज ये मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर जो है ना वो पांच चीजें आती हैं ठीक है फाइव चीजों से मिलके जो है वो बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसमें पहला तो ये आईबीआरडी है दूसरा आपका आई है तो 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 मतलब मतलब ये तीन हो गए। इसके साथ एक आता है 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 तो का मतलब क्या होता ठीक याद रखिएगा और एक आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ठीक है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ठीक है तो ये पांच से मिलके यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है तो आई होप आपको ये मेरी नॉलेज थोड़ी अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें शेयर करें दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाकी अगर इस वीडियो को आप सिर्फ आई एस फेसबुक पर देखना चाहते हो तो देख सकते हो बाकी ये तीनों के तीनों लिंक हैं अगर आप चाहो तो यहाँ पे किसी पर भी फॉलो कर लो और ये जो आ, आ, ये वाली जो वीडियो है ये मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है शॉर्ट ट्रिक वाली प्लेलिस्ट में तो प्लीज हो सके तो अगर आपको देखना हो बाद में तो अगर आपको ना मिले तो प्लीज शॉर्ट ट्रिक की जो प्लेलिस्ट है उसमें यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन हैव अ वंडरफुल डे अहेड टेक केयर